ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम तीन ग्रहों की युति का विचार करेंगे, सूर्य, गुरु और शनि। जब तीनों ग्रह जन्मपत्री में किसी एक भाव में इकट्ठे होते हैं, किसी एक राशि में इकट्ठे होते हैं, तो जातक के जीवन के ऊपर इस युति का क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। जब सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह होता है तो सूर्य उस शत्रु ग्रह को मंदा कर देता है, उस शत्रु ग्रह का पूर्ण से फल जातक को प्राप्त नहीं होता। किंतु सूर्य के साथ जब शत्रु ग्रह हो तो यदि उसमें कोई सूर्य का मित्र आ जाए, सूर्य का मित्र ग्रह उसमें आ जाए, तो सूर्य अपने शत्रु ग्रह को कुछ नहीं कहता, किंतु जो मित्र ग्रह आ गया है उसके ऊपर मंदा असर पड़ता है। जैसे सूर्य, शनि और गुरु की युति में शनि के ऊपर इतना मंदा असर नहीं होगा, किंतु गुरु के ऊपर इस युति में मंदा असर होता है, जिसके कारण गुरु के व्यवसाय और गुरु के रिश्तेदार और गुरु के जो भी विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर मंदा असर होगा, परिवार के बुजुर्गों के ऊपर भी मंदा असर इसका हो सकता है। तो शास्त्रों में इसके ऊपर हमें श्लोक प्राप्त होता है, उसमें विचार किया गया है कि मंद जीवार्क संयोगे पुत्र मित्र कलत्रवान निर्भयो नृपति द्वेष्टा श्रेष्ठ बंधुर भवे नरः। जब तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं, सूर्य, गुरु, शनि, तो ऐसी अवस्था में जातक संतान सुख प्राप्त करता है, जीवन साथी का सुख प्राप्त करता है और ऐसे जातक को मित्रों का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक स्वभाव से निर्भय होता है, डरपोक स्वभाव का नहीं होता, पराक्रमी होता है। किंतु ऐसे जातक राजा से द्वेष करने वाले होते हैं, सरकार से द्वेष करने वाले होते हैं और ऐसे जातक अपने बंधु बांधवों का पालन पोषण करने वाले भी होते हैं। इन तीनों ग्रहों की युति के प्रभाव से जातक को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा, सभी जातक को आदर की दृष्टि से देखेंगे और सभी जातक का मान सम्मान विशेष करेंगे। अपने समाज में, अपने शहर में जातक को विशेष सम्मान प्राप्त होगा। तो ये है सूर्य, गुरु और शनि की युति का प्रभाव जन्मपत्री में कैसा होता है। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।